हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आप उसे मिस ना कर पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए गेट पट्टी लेकर आई हूँ, जो मैं बनाकर बताऊँगी कि कैसे बना है। तो पहले आप डिज़ाइन देख ले, मैं इसी गेट पट्टी को बनाकर बताऊँगी। तो पहले मैं दिखा दी हूँ, ऐसा ही मैं बनाने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसे मिस ना कर पाए और आसानी से देख पाए। तो देखिए, पहले मैं फंदे निकाल रही हूँ। मैं 5 फंदे निकालूँगी। देखिए, इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इस गेट पट्टी को बना पाइएगा। पहले हम 5 फंदे निकाल लेंगे। देखिए, 5 फंदे हम निकाल लिए। उसके बाद हम 3 चैन लेंगे। देखिए, 3 चैन लेने के बाद हमारा 7 जो घर बना है, तो 3-3 छोड़कर 1 से निकालेंगे। एक ही जगह से हम 5 बार फंदे निकालेंगे, अलग से नहीं, एक ही घर से हम 5 फंदे निकालेंगे। देखिए, मैं एक ही जगह से 5 फंदे निकालना है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, फिर हम 3 चैन लिए हैं। उसके बाद फिर से हम वैसे ही 5 फंदे निकालेंगे। जैसे मैं पहले में निकाली हूँ, एक एक घर से 5 फंदे निकालेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, उसके बाद फिर से हम 5 फंदे निकालेंगे, एक घर से एक। एक एक घर से हम फंदे निकालेंगे, 5 ही फंदे निकालने हैं हमें। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं 8 नंबर क्रूस का इस्तेमाल करती हूं, जो कि ज्योति कंपनी का है। बहुत ही अच्छा क्रूस है, इससे हम आसानी से बुन पाते हैं। तो 8 नंबर का क्रूस है। उसके बाद देखिए, हम जो 5 फंदे निकाले थे एक ही जगह से, तो हम फिर से एक घर से 2-2 फंदे निकालेंगे। जैसे 5 है तो हमारा 8 फंदा हो जाएगा। एक घर से निकालेंगे 2, तो बीच में 4 हुआ।
तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा हमारा। तो एक घर से दो दो फंदे निकालेंगे हम। तो देखिए हम एक घर से दो दो फंदे निकाल रहे हैं, तो हमारा 8 हो गया। उसके बाद हम फिर से दो चैन लेंगे, पहले में 3 चैन लेना है, उसके बाद हम 2 चैन लेंगे। उसके बाद फिर से हम 5 फंदे निकालेंगे। तो देखिए हम 5 फंदे निकाल लिए। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। उसके बाद फिर हम वैसे ही 5 फंदे निकालेंगे, एक एक घर से एक ही निकालेंगे। सब घर से एक एक निकालेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम फंदे निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिर से 2 चैन लेंगे। उसके बाद हम एक एक घर से अब हम गुल्ली बनाएंगे छोटा छोटा। तो एक एक घर से आप जितना मोटाई रखना चाहते हैं गुल्ली का उतनी बार निकालेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का रखना है गुल्ली का मोटाई। उसके बाद हम बांध देंगे, फिर दूसरे घर से गुल्ली निकालेंगे। सब घर से हम गुल्ली बनाएंगे। देखिए मेरा 8 फंदा निकला था तो 7 हुआ, तो हम 7 गुल्ली बनाएंगे। 8 फंदे थे, बीच का हमारा 7 ही होता है, तो हमारा 7 गुल्ली बन जाएगा। हर एक घर से हमें गुल्ली बनाना है। देखिए ऐसे ही हम गुल्ली बना लेंगे। बहुत ही आसान गेट पट्टी है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। तो आप भी जरूर कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को देखकर बनाने का, और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करती रहूँगी रेगुलर, तो मेरे चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि आप मिस ना कर पाए मेरे वीडियो को देखने का। देखिए हमारा 7 गुल्ली बन गया है।
और अब हम फिर से वैसे ही दो चैन लेकर फंदे निकालेंगे, पांच फंदे, एक एक घर से एक एक फंदे निकालेंगे। देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया गेट पट्टी, तो आप देख लिए अच्छे से। देखिए पूरा हमारा गेट पट्टी ऐसे ही दिखेगा। देखिए बहुत खूबसूरत गेट पट्टी है, आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को देखकर सीख गए होंगे गेट पट्टी बनाना। तो आप देख लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आप वीडियो देखिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।